हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी साजी ब्लॉगर। तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अच्छे होने चाहिए गाइस। तो गाइस, सीन कुछ ऐसे हैं कि यार कल हम लोग गए थे शादी के अंदर, मैं जल्दी में बस इंट्रो करना भूल गया, सब कुछ बताना भूल गया। तो कल हम लोग गए थे, शादी नहीं थी, सॉरी रसम थी मेरे कज़न की। तो उधर गए थे हम लोग और कपड़े वपड़े नहीं थे मेरे पास, बस 15-20 मिनट पहले मैं कपड़े लेकर आया हूँ पहने और फटाफट हम लोग निकलें। तो वो जाके आप थोड़ा बहुत उसके व्लॉग बनाए, मतलब थोड़ी बहुत ज़्यादा वीडियो बनाइए। बाकी आज का ये सीन है कि आज सीन कुछ ऐसे हैं कि आज हमें जाएंगे सेंटर की बात करना लाजमी, क्योंकि मुझे सेंटर दोबारा से शुरू करना है, क्योंकि इंटर के पेपर बहुत ज़्यादा, सेकेंड ईयर के पेपर बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। आई थिंक 5 to 6 months के अंदर मेरे पेपर हैं, तो तैयारी करनी है, तैयारी मेरी बिल्कुल नहीं है। तो उसकी तैयारी करेंगे, चलेंगे सेंटर की बात करने हम लोग, और नहाते हैं पहले। तो नहाया नहीं हूँ मैं, नहा के कपड़े चेंज करके फिर निकलेंगे हम सेंटर की बात करने। इसके ऊपर कौन सा सही लगेगा, इसके हिसाब से निकाल के दो फटाफट। यार सबसे बेस्ट लगेगा, बहुत क्लास की क्रीम की जान है। जो सूट लिया ना उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग वेयर के बाद ना हल्की सी लचक दी ना, कपड़ा वगैरह चीज़ वगैरह बिल्कुल औसम बनी। अरे ये मतलब ऐसे ही लंबी करके, आंटी को तो पता होगा काहे की टेंशन ले रहे हो। बाकी 10 कलर आपके सामने, आपको सही लग रहा है। तो हेलो जी यार, अभी बस हम लोग निकलते हैं, तैयार व्यार होते हैं, फिर हम लोगों को जाना है। मैं कपड़े वपड़े ले आया हूँ फटाफट, मैंने वीडियो बनाई क्योंकि देर हो गई थी। और बस अभी तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद डायरेक्ट निकलते हुए मिलूँगा या फिर नहीं मिलूँगा, क्योंकि फिर मैं डायरेक्ट हॉल के अंदर ही वीडियो बनाऊँगा, व्लॉग बनाऊँगा। वीडियो जो करना है वो मैं डायरेक्ट हॉल में ही करूँगा, अगर घर पे नहीं व्लॉग बनाता हूँ निकलते वक्त। तो अभी बस तैयार होते हैं और निकलते हैं। यार अभी जैकेट पहन ली है, लेकिन वहाँ जाके जैकेट उतार के मैं शाल पहन लूँगा, तो वो भी व्लॉग के अंदर ऐड कर दूँगा। और बस अभी निकलते हैं फटाफट। वो शॉल तो रखना ही भूल गया मैं, वरना फिर वहाँ क्या पहनूँगा। हाँ हाँ, बाहर निकलते हुए मारेंगे तो रात में बड़ी वाली गाड़ी में रखी हुई। ये होता है खाना खाने के बाद का असर। जल्दी आना, अटक नहीं जाने, रोता है फिर। रोएगा तो उठा के फेंक देना। अभी अभी आया हूँ, बैग पे खड़ी कर दी है, भाई ऊपर चलते हैं सोते हैं और कल मैं आप लोगों से फिर मिलके पूरी बात करूँगा, सही है। तो चलो यार हम लोग निकलते हैं फटाफट बात करने, वैसी रात हो गई है, ठंड भी बड़ी टाइट हो रही है, नहा लिया हूँ मैं, नहा धो के फटाफट अब निकलते हैं, बात बात करके आते हैं। सर एडमिशन चाहिए था मेरे को सेकंड ईयर की। कौन सी साइंस सेकंड ईयर से स्टार्ट करवाओ गर्ल्स की। यार सर वाल को बोलो सर। हेलो जी यार, इस व्लॉग का एंड कर देते हैं। सेंटर वेंटर की बात कर आ गया था मैं सब जगह से, 4-5 जगह गया था मैं, जो व्लॉग के अंदर ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, बस मैंने एक आध जगह की शूट करा।
तो वहाँ पर हुआ ये कि कोई 6,000 रुपये मांग रहा है, कोई 5,000 मांग रहा है, कोई बस बहुत ज़्यादा मांग रहे थे। तो फिर एक मेरे को समझ में आया जो 4,500 रुपये मांग रहे थे सेंटर, तो मैंने उनको बोल कर आ गया हूँ। तो वो एक आध दिन में नहीं बल्कि आज ही जाऊँगा मैं सेंटर, लेकिन एक आध दिन में उसका व्यू आएगा क्योंकि वहाँ पर समझना पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना, क्लास कौन सी क्लास कौन सी नहीं। तो एक आध दिन में मैं उसका ब्लॉग डाल दूंगा, लेकिन इस ब्लॉग के अंदर यही था कि शादी में गया, शादी से आया अगले दिन बोला भी नहीं जा रहा मुझे, अगले दिन मैं गया सेंटर की बात करने और ब्लॉग एंड कर दिया। तो इस ब्लॉग को एंड कर देते, इस ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब बटन तो मतलब बेल आइकन दबा देना। तो मिलते हैं मतलब नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तो ओके। जब मैनू देखेंगी मेरी याद जब आऊगी तो पता लगेगा।